यार रहमान ने किया द केरला स्टोरी के बारे में एक जिक्र एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि ये भी होती है द केरला स्टोरी का अलग एंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आप सब प्रिया। हाल ही में जो है ए आर रहमान ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर करी है, एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ए आर रहमान दिखाई दिए जिसमें उन्होंने बताया कि केरला स्टोरी का अलग एंगल भी हो सकता है। एक यूजर ने जो है केरला स्टोरी का एक अलग एंगल दिखाने की कोशिश करी थी और इसी बीच में जो है उन्होंने इस ट्वीट को रीशेयर करते हुए दिखाया कि ब्रावो प्यार ऐसा भी होता है, इस टाइप का जो है उन्होंने ट्वीट शेयर किया था। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी को लेके जो है मूवी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, जब इसका ट्रेलर आया है इसके बारे में बातें चल रही हैं। कौन थी वो 32,000 यानी कि 32,000 औरतें जो कि प्रताड़ित हुई थी, कि इनका धर्म परिवर्तन कराया गया था और उन्हें टेररिस्ट बना दिया गया था, इसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसी बीच में जो है अब ये मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, आर्य थिएटर्स पे भी आ चुकी है। इसके आई में 10 चेंजेस कराए थे जो कि मतलब इसे पास करने के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए 10 चेंजेस करवाए गए थे और वो चेंजेस होने के बाद अभी थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है। मगर इसी बीच में जो है इस स्टोरी का एक अलग एंगल दिखाया जा रहा है। कुछ लोग जो है इस मूवी को लेके बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो रहे हैं कि असल में अगर ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था, और कुछ लोग जो है इसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा होता तो किसी को पता नहीं चलता। लोग अपने फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में जो है एक वीडियो शेयर हुई है एक यूजर ने जो कि अपने आपको केरला का बताता है, उस यूजर ने एक वीडियो शेयर करी है जिसमें कपल जो है वो मस्जिद के अंदर शादी करता हुआ नजर आया है। जी हाँ, वो कपल जो है मस्जिद के अंदर शादी करता हुआ नजर आया है। ये वीडियो जो है 1 मिनट 40 सेकंड की है और इस वीडियो में दिखाई देता है ये अंदाज प्यार करने का और ये शादी का। इसी वीडियो को जो है शेयर करते वक्त, री शेयर करते हुए इस वीडियो को जो है ए आर रहमान शेयर करते हैं और कहते हैं ब्रावो ये भी होता है प्यार, इसको लेके जो है वो ट्वीट करते हैं और इसको ये ट्वीट को शेयर करते वक्त उनका ये अंदाज देख के लोग कई सारी बातें कर रहे हैं। इस ट्वीट के ऊपर जो है ये पोस्ट जो थी इसके ऊपर लिखा हुआ था कि केरला स्टोरी का दूसरा एंगल भी दिखाया जा रहा है। तो ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है लोगों के ऊपर कि केरला स्टोरी का अलग एंगल भी दिखाया जा रहा है, जहाँ लव जिहाद होता है वहाँ लोग शादी भी कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, वो भी हिंदू धर्म के हिसाब से। तो आपका क्या ओपिनियन है केरला स्टोरी को लेके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है सच में लव जिहाद इतना ज्यादा होता है या फिर कुछ बातें बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।